दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये हमारे एमएलए खरीदना चाहते हैं। पंजाब में हमारी सरकार गिराने की साजिश है, इन्होंने हमारी झांकी को रिजेक्ट कर दिया, आप पंजाब से हमारे 13 सांसदों को जिताएं, ये उन्होंने कहा है। अंदर झांकी निकलती है, 26 जनवरी को पंजाब की भी झांकी निकलनी चाहिए थी। पंजाब ने अपनी झांकी बना के भेजी, उस झांकी में सरदार भगत सिंह थे, उस झांकी में करतार सिंह सब सराबा थे, उस झांकी पे लाला लाजपत राय थे, जितने पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी हुए उन सब की कहानियां थी उस झांकी में। जब केंद्र सरकार के पास पंजाब की झांकी गई तो केंद्र सरकार ने इनको चिट्ठी लिख के भेजी, पंजाब की झांकी रिजेक्ट की जाती है। ये केंद्र सरकार में जो बैठे हैं ये सरदार भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले होते कौन है? ये केंद्र सरकार में जो बैठे हैं ये करतार सिंह सराभा को रिजेक्ट करने वाले होते कौन है? ये लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाले होते कौन है? इन्होंने पंजाब की झांकियां रिजेक्ट कर दी। रोज अब ये पंजाब के अंदर सरकार गिराने के लिए रोज एमएलए को, कभी किसी एमएलए को अप्रोच करते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं जो पंजाब के लोगों की। इससे लड़ने के लिए आज अकेला भगवंत मान आपके लिए लड़ रहा है। आज अगर आप 13-0 से इनको हरा दो, 13 की 13 सीटें इसको दे दो, तो ये 13 हाथ बनेंगे भगवंत मान के, ये 13 हाथ बन के दिल्ली के अंदर जाके बीजेपी से लड़ेंगे और केंद्र सरकार से लड़ेंगे। 13 एमपी लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर उठ के आपकी आवाज उठाएंगे, पंजाब की आवाज उठाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज भी 13 सांसद पंजाब ने, 13 सांसद 13 एमपी भेजे हुए लोकसभा के अंदर, किसी की आवाज आती है? कोई सुनाई देता है? पता चलता है कि 13 सांसद भेजे हुए उन पार्टियों के क्या करते हैं वो? जब आपके 8,000 करोड़ रोके केंद्र सरकार ने, वो 13 सांसद कहां थे? ये तो अब अकेले रिंकू की आवाज दिखाई देती है जलंधर से, पिछले एक साल से जब से रिंकू लड़के जीत के गया, बाकी 12 कहां हैं? पंजाब के लिए कभी लड़ते हुए क्यों नहीं थे? जब 26 जनवरी को पंजाब की झांकी रोकी गई तब ये 12 सांसद कहां थे? दूसरी पार्टियों वाले क्या कर रहे थे? ये मटर गश्ती कर रहे थे, कुछ नहीं करते, पंजाब की कभी आवाज नहीं उठाते।